रात 10 बजे की बड़ी खबर, सूत्रों के हवाले से खबर आई है। कल रात में गुवाहाटी से गुजरात गए थे एकनाथ शिंदे। गुजरात में शिंदे ने की थी सीक्रेट बैठक। शिंदे और फडणवीस के बीच हुई है सीक्रेट मीटिंग। सूत्रों के मुताबिक कल रात वडोदरा में मिले फडणवीस और शिंदे। फडणवीस मुंबई से इंदौर पहुंचे वडोदरा। बाला साहब के नाम को लेकर शिंदे गुट का उद्धव को सीधा संदेश। शिंदे गुट के प्रवक्ता के सरकर ने कहा, हमने नया घर बनाया, पार्टी नहीं छोड़ी। के सरकर ने कहा, बाला साहब के नाम पर चुनाव आयोग जो कहेगा उसे मानेंगे। के सरकर ने अपील की कि शिव सैनिकों को सच्चाई नहीं पता, वो सड़कों पर ना उतरे। शिंदे गुट के विधायक दीपक केसरकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया कि उनके पास दो तिहाई बहुमत है। जिसके पास बहुमत है वही फैसला लेगा। विधायक दल के नेता एकनाथ शिंदे ही होंगे। शिवसेना पर दीपक केसरकर ने कहा कि हम ही असली शिवसेना हैं। अयोग्य वाले फैसले पर शिंदे गुट के प्रवक्ता ने कहा कि हमारे ऊपर अयोग्य होने का कोई कानून नहीं बनता है। शिवसेना की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। बैठक में बागियों के खिलाफ कई सख्त प्रस्ताव पारित हुए हैं। बैठक के बाद शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व पर सबने भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि शिवसेना में सिर्फ बाला साहब की विचारधारा है। बागियों के सवाल पर उन्होंने कहा कि बागी विधायकों पर कड़ी कार्रवाई का प्रस्ताव पारित हुआ है। संजय राउत ने कहा, उद्धव के बाप के नाम पर नहीं, अगर दम है तो अपने बाप के नाम पर वोट मांगिए। महाराष्ट्र में राजनीतिक संकट गहरा होता जा रहा है। 16 बागी विधायकों पर एक्शन की मांग वाली शिवसेना की अर्जी डेप्यूटी स्पीकर ने स्वीकार कर ली है। डेप्यूटी स्पीकर ने बागियों से सोमवार तक जवाब मांगा है। साथ ही विधायकों से विधानसभा में मौजूद रहने को कहा है। बता दें कि शिवसेना ने 16 विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग की है। नागपुर में सड़क पर उतरे उद्धव ठाकरे के समर्थन में शिवसैनिक। शिवसैनिकों ने शिवसेना से बगावत करने वाले एकनाथ शिंदे के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। शिंदे के पोस्टर्स को फाड़ा। शिवसैनिकों का कहना है कि शिंदे ने शिवसेना के साथ गद्दारी की है। संजय राउत ने बागी विधायकों को एक बार फिर धमकी देते हुए कहा कि अगर शिवसैनिक भड़क गए तो आग लग जाएगी। संजय राउत ने दावा करते हुए कहा कि बागी विधायक उनके संपर्क में है। कल रात 10 विधायकों से हुई बात, बागी विधायक मुंबई आकर बात करें। उधर एकनाथ शिंदे ने महाविकास आघाड़ी सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। शिंदे ने चिट्ठी लिखकर कहा, मुझे और मेरे परिवार को धमकी दी जा रही है, मेरे परिवार को खतरा है। शिंदे ने सरकार पर सुरक्षा वापस लेने का आरोप लगाते हुए कहा कि जो सुरक्षा वापस ली गई है वो वापस की जाए। पुणे में शिंदे के समर्थक विधायक के दफ्तर में तोड़फोड़ हुई। बागी विधायक तानाजी सावंत के दफ्तर में तोड़फोड़ की गई। तोड़फोड़ का सीधा आरोप शिवसेना कार्यकर्ताओं पर लगाया गया है। सामने आई तस्वीरों में तोड़फोड़ करने वाले लोगों के हाथों में शिवसेना के झंडे समेत बाला साहब के पोस्टर दिखे। लोग उद्धव ठाकरे हम तुम्हारे साथ हैं के नारे लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुंबई में पहली बार लगा एकनाथ शिंदे के समर्थन में पोस्टर। मराठा युवा महाराष्ट्र परिषद ने एकनाथ शिंदे के समर्थन में बैनर लगाया है। शिवडी के पास हाईवे पर यह बैनर लगा है। इस बैनर में मराठी फिल्म धर्मवीर के डायलॉग का इस्तेमाल किया गया है। पोस्टर पर लिखा है, जहां धर्म है वहां विजय निश्चित है। तीस्ता सेतलवाड़ को गुजरात एटीएस ने गिरफ्तार किया। तीस्ता पर गुजरात दंगों की साजिश रचने का आरोप है। बीजेपी ने कहा, तीस्ता के एनजीओ ने लोगों को बरगलाया। 2002 गुजरात दंगों से जुड़े जाकिया जाफरी केस में क्लीन चिट मिलने के बाद अमित शाह ने चुप्पी तोड़ी। कहा, पीएम मोदी ने भगवान शंकर की तरह विष पिया, 19 साल तक बिना कुछ बोले सच सहते रहे। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सत्य सोने की तरह निखर कर बाहर आया है। शाह ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने सारे आरोप खारिज कर दिए हैं। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर मायावती का बड़ा फैसला। बीएसपी ने राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने का ऐलान किया। मायावती ने कहा, हमने ये फैसला ना तो बीजेपी या एनडीए के पक्ष में ना ही विपक्ष के विरोध में लिया है। हमने ये फैसला पार्टी और आंदोलन को ध्यान में रखते हुए लिया है। पटना में ड्रग्स इंस्पेक्टर जितेंद्र के कई ठिकानों पर रेड। पटना और गया समेत कई ठिकानों पर निगरानी विभाग की रेड। नोटों से भरे कई बोरे और सोने चांदी के आभूषण बरामद। नोट गिनने के लिए मशीन मंगवानी पड़ी। बैंक लॉकर्स को भी निगरानी विभाग खंगाल रहा है। असम में बाढ़ से मचा हाहाकार। 33 जिलों में 55 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित।
24 घंटे में 10 लोगों की जान गई। बाढ़ और लैंडस्लाइड की वजह से अब तक 117 लोगों की मौत हो गई है। सेना के साथ पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम राहत और बचाव के काम में जुटी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।